नमस्कार, लाइव 24 में स्वागत आपका। मैं मनीषा, और बात राम मंदिर की। दरअसल इस मुद्दे पर कांग्रेस को समर्थन देने वाले विचार पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने पलटी मार ली है। विवाद बढ़ा तो आलोक कुमार ने कहा कि कांग्रेस को समर्थन का सवाल नहीं है। शनिवार को ही आलोक कुमार ने कहा था कि कांग्रेस अगर राम मंदिर निर्माण को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती है तो उसे समर्थन देने के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन अब उनका कहना है कि हम अभी भी बीजेपी को ही बेहतर मानते हैं, लेकिन राम मंदिर मुद्दे पर बीजेपी से निराशा मिली है। बीजेपी से उम्मीद नहीं करेंगे तो क्या एसपी, बीएसपी और मुस्लिम लीग से करेंगे? दरअसल बीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष ने शनिवार को कहा था कि कांग्रेस ने हमारे लिए सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं, लेकिन अगर वो राम मंदिर पर मैनिफेस्टो लाती है तो उसके बारे में सोचा जाएगा। और अब बात प्रयागराज की, जहां चल रहे कुंभ के बीच अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा गरमाया हुआ है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने सरकार और अदालत के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मंदिर निर्माण की कमान खुद संभालने जा रहे हैं। स्वरूपानंद सरस्वती ने अगले महीने हजारों भक्तों के साथ अयोध्या कूच कर वहां राम मंदिर के शिलान्यास का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या के शिलान्यास कार्यक्रम को किसी सूरत में नहीं टालेंगे और जरूरत पड़ने पर जेल जाने को भी तैयार रहेंगे। वहाँ जाके निर्धारित हो जाएगी हम लोग ज्योतिष की दृष्टि से। वैसे आमतौर से माघ मास की पूर्णिमा के एक दिन बाद का संभावित है। वहाँ जाके निर्धारित हो जाएगी हम लोग ज्योतिष की दृष्टि से। वैसे आमतौर से माघ मास की पूर्णिमा के एक दिन बाद का संभावित है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली बीजेपी विधायक साधना सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग इस पूरे मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए साधना सिंह को नोटिस भेजेगा। चंदौली के मुगल सराय से विधायक साधना सिंह ने गेस्ट हाउस कांड की बात करते हुए कहा कि जिस महिला के साथ ऐसी घटना हो जाती है वो कलंकित मानी जाती है। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान साधना सिंह का गाली देते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। एक अधिकारी को धमकी देने और औकात में रहने की वजह से साधना सिंह चर्चा में आई थी। वही दिल्ली में कान इंस्टीट्यूट क्लब में प्राइड ऑफ इंडिया एजुकेशन अवार्ड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद मनोज तिवारी और फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लो ने शिरकत की। लाइव 24 के एडिटर इन चीफ प्रमोद ठाकुर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्राइड ऑफ इंडिया एजुकेशन अवार्ड को शिक्षा में योगदान के लिए दिया जाता है। पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल ने अखिलेश यादव और मायावती पर हमला बोला है। हरदोई जिले में अपने आवास पर नरेश ने गठबंधन पर भी खूब तंज कसे। अखिलेश यादव को नसीहत दे डाली। पार्टी की योजनाओं, कार्यों और नीतियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अग्रवाल ने एसपी बीएसपी के बीच गठबंधन नहीं कहा कि ठगबंधन हुआ है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक सांसद महोदय ने भी बड़ा भारी पत्र लिखा, हो सकता 5 साल की असफलताओं के लिए उन्होंने सोचा होगा नरेश को ही निशाना बनाओ तो हम बड़े नेता बन जाएंगे। लेकिन उन सांसद महोदय के लिए आम जनता की राय है कि सूरत अस्त सांसद मस्त। अब वो सांसद जी बासी के बारे में क्या कहेंगे और चीज़ों के बारे में क्या कहेंगे, इस पर जनता खुद ही अपने बारे में राय बना ले। और हमसे विरोध जो ले रहे हैं वो बहुत अच्छा अपना हित नहीं कर रहे, बस इतने मैं कहना चाहूँगा। सपा और बसपा का गठबंधन एक अवसरवादता का गठबंधन है, गठबंधन नहीं बल्कि इसको ठगबंधन कहूँगा। जिस लोहिया के विचारों पर समाजवादी पार्टी चली थी, जिस मुलायम सिंह की नीतियों पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी थी,
उस समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से बहन जी के आगे अपने को नतमस्तक कर दिया है, तो मैं तो यही राय दूंगा कि समाजवादी पार्टी बसपा में मिले। वहीं बलिया जिले के सहतवार पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने एसपी बीएसपी और कांग्रेस को धोखेबाज बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर भी वादों को पूरा ना करने का आरोप लगाया है। बद्रीनाथ सिंह की 17वीं पुण्यतिथि में पहुंचे प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने एसपी बीएसपी गठबंधन को बेमेल बताया। उन्होंने कहा कि एक ने पिता को तो दूसरे ने पार्टियों के साथ धोखा किया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पिछले साल गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा और उसके बाद भड़के दंगों के मद्देनजर प्रशासन इस बार पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी और किसी भी तरह की रैली के आयोजन की अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने फ्लैग मार्च रिहर्सल के साथ ही किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए छतों पर लाइट मशीन गन लगा दिए हैं। पूरे जिले को दो जोन में बांटा गया है। पुलिस कर्मियों के साथ मजिस्ट्रेट जिले की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। वहीं पीएसी और आरएफ की दो कंपनियों के साथ 60 कांस्टेबल और 8 महिला कांस्टेबल को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। एसपी और 2 सीओ भी सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। दरअसल पिछले साल गणतंत्र दिवस के दिन संकल्प फाउंडेशन ने तिरंगा यात्रा में बाइक रैली निकाली थी। बवाल में विशाल ठाकुर और हिंसा में मारे गए चंदन गुप्ता दोनों के ही संकल्प फाउंडेशन के सदस्य थे। विवाद के दौरान तिरंगा यात्रा में शामिल चंदन गुप्ता की गोली लगने से मौत हो गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की साख पर एक बार फिर दाग लगा है। दरअसल बीएड सत्र 2012 और 13 के परीक्षा फल को लेकर शिकायत की गई थी। जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच की तो पता चला कि 2012 और 13 में 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों को फर्जी तरीके से बीएड करवा दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने रैकेट में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। फर्जी तरीके से बीएड करने वाले डिग्री जारी करने पर रोक लगा दी है। और वहीं आगरा में लाइव 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रकाबगंज इलाके के एक प्राथमिक स्कूल में कक्षा 6 के एक बच्चे को स्कूल स्टाफ सोता हुआ कमरे में बंद करके चला गया, जिस खबर को लाइव 24 ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर देखने के बाद बीएसए ने मामले को संज्ञान में लेकर स्कूल की प्रधान अध्यापिका और सहायक अध्यापिका को लापरवाही बरतने को लेकर निलंबित कर दिया। मामले की जाँच के लिए टीम भी बना दी गई है। मेरे संज्ञान में आज ही आया है और हमने वहाँ की संबंधित प्रधानाध्यापिका और जो भी सहायक थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए जांच कमेटी गठित की और जांच के उपरांत उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खबर बांदा के कमासिन क्षेत्र के ग्राम पंचायत की, जहां सदस्यों ने क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्राम पंचायत सदस्यों ने महिला क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। अविश्वास प्रस्ताव पत्र के माध्यम से क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग की गई। पंचायत सदस्यों ने अध्यक्ष पर रसूख का फायदा उठाते हुए विकास खंड कार्यालय न जाने का आरोप लगाया है। हमारे यहाँ जो भी कार्य होते हैं किसी कार्यों में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। जितने भी कार्य होते हैं अपने खास आदमी खास पार्टी के खास लोगों को कार्य दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है हमारे ब्लॉक में। और मेरे गांव में 40 लाइटें आई थी जिनमें से आज 20 लाइटें ही लगी हैं। उसके बाद आज तक उन लाइटों का कोई पता नहीं है कहाँ है। और अगर कहते हैं प्रमुख जी से तो कहते हैं सभी लाइटें आपके यहाँ लग चुकी हैं, आप जाके देखिए। ये कमासिन ब्लॉक के लोग थे और वहाँ के सदस्य थे, तो उनका ये कहना कि साहब हम लोगों का ये अविश्वास प्रस्ताव के कुछ एफिडेविट है उसको हमने लिया और
सीनियर डीपीआरओ को भेजा है कि इसकी जो लीगल प्रक्रिया है वो अपनाई जाए। और अब खबर फिरोजाबाद से, जहां के शिकोहाबाद में गढ़ुमा में आक्रोशित किसानों ने आंगनबाड़ी केंद्र पर आवारा पशुओं को ले जाकर बंद कर दिया। उनका आरोप है कि आवारा पशु उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों का कहना है कि रात भर जागकर फसलों की रखवाली करते हैं। इंटरमीडिएट हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई छोड़कर फसलों की रखवाली कर रहे हैं। उनका आरोप है कि अधिकारी गांव में आकर पशुओं को छुड़ा देते हैं, लेकिन उनका कोई निदान नहीं करते। योगी सरकार को इसलिए चुना था कि वो हमारा विकास करेंगे, लेकिन विनाश ही हो रहा है। फिलहाल वहां पहुंची पुलिस ने पशुओं को छुड़ाकर किसानों को जल्द निदान करने की बात कही है। समस्या ये है कि यहाँ पे करीब 200 सांड 200 गाय इस गांव की मतलब किसानों के ऊपर हावी है। रात में कछु किसान इतने करते हैं, कछु इतने करते हैं, सारी रात है जाते हैं, न कोई बच्चा सोई पावे, न कोई किसान सोई पावे, लेकिन तो फसल बाजरा की तो खत्म कर दी। अब रह गई जी गेहूं की, तो गेहूं पे इतनी बुरी तरह से हावी है जी, मतलब जानवर के दो चार दिन में मतलब सिर्फ खेती खत्म भई जा रही है। अब जा गांव के किसान लूट मार के कागार पर पहुंच गए, लेकिन कोई यहां पे कोई सुनवाई नहीं है, न कोई सरकार सुन रही, न कोई किसान सुन रहे। अब यहां के किसान ने बाबा को दे दे और राज चलावे, तो एक तो इन्हें जैन याद सुना है कि कहाँ तेज किसान प्रॉफिट भर रहे हैं, कहाँ थे मतलब बच्चे को भर रहे हैं और कहाँ थे बाबर को भरेंगे, और इन्हों के साणन को चरवा दो जाए। तो मेरा कहने का मतलब यानी कि कोई मजबूत व्यवस्था करी है। हमें जो कहते भाई कटन न दे गई है उन्हें, कटन ने साणन उन्हें कटन ने, लेकिन मैंने की व्यवस्था तो कोई करें ताशु जी किसान पे हावी ना हुए। गाँव में कॉलर ने सूचना दी कि आंगनबाड़ी केंद्र में गाँव वालों ने जो है 15-20 साण बंद कर दिए। इस सूचना पर हम मौके पर आए, थाने को भी संबंध में सूचना दी गई, मौके पर आए, गांव वालों से कहा कि भाई इन्हें खोल दो, गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं। क्या मांगे गांव वालों? गांव वाले मांगे साहब ये नुकसान करते हैं, इनकी व्यवस्था की जाए। ग्रेटर नोएडा के सादुल्लापुर गांव में एक तेंदुआ देखा गया। तेंदुए ने एक व्यक्ति पर हमला भी बोला है। तेंदुए को रिहायशी इलाके में देखे जाने के बाद गाँव में दहशत का माहौल है। ग्रेटर नोएडा पुलिस और वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए उसकी तलाश में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तेंदुए से ग्रामीणों में दहशत है। तेंदुए ने एक युवक पर भी हमला कर दिया। एक तरफ केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सौभाग्य योजना देश और प्रदेश हर गांव में सभी घरों में बिजली पहुंचाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं अमेठी के लगभग कई गांव ऐसे हैं जहां विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते कई घरों में अंधेरा है, जिससे ग्रामीण अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। योगी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे ही उनकी सरकार में गांव वालों को अंधेरे में जीवन यापन करना पड़ेगा। मेरे पास वहां पर मैंने अभी मौके पर टीम भेज दी है। दो गांव की समस्या आई, उनमें तीन लोगों की शिकायतें आई थी दो गांव में कि मीटर लगा दिया गया है, ट्रांसफार्मर भी रख दिया गया है, और कनेक्शन पीछे से दूसरी साइड से जोड़ा गया है, जो मुख्य है वहाँ से नहीं जोड़ा गया है, जहाँ पर इन्होंने मेन नई लाइन लेकिन पीछे से चल रहा है। तो उनको निर्देश दिए हैं कि टीम अभी मौके पर गई है, बजाज कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हालांकि जोड़ा है, कनेक्शन जोड़ा है, शिकायत ये आई कि वो पीछे की साइड से जोड़ा, जहाँ नई लाइन बिछी वहाँ से नहीं जोड़ा है। तो निर्देश दिए हैं कि दो दिन के अंदर इसमें जो नई लाइन बिछाई गई उससे आपूर्ति सुनिश्चित कराएं। सर मीटर लगे हुए 6 महीना हो गया है, और यहाँ कहे थे कि का कहते हैं खंभा गड़ गया, मीटर लग गया सर, यहाँ कह रहे थे ट्रांसफार्म लगवा देंगे, ट्रांसफार्म भी नहीं लगा सर, 11,000 से लाइन जोड़ते थे भी तार भी नहीं कसा, अभी खंभा गड़ चुके हैं सर, मीटर चालू मैसेज जा रहा है सर, हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ से क्या करेंगे, बहुत परेशान है, लाइट भी नहीं है, अंधेरे में बच्चे रहते हैं सर, साहब इसके कोई देखो देखभाल करो सर, बहुत परेशान है, गरीब आदमी है हम लोग। और अब खबर बाराबंकी से, जहां के हैदरगढ़ में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने टाटा मैजिक गाड़ी के अंदर 7 बोरी बंद करके ले जा रहे 500 से ज्यादा कछुए बरामद किए हैं। टाटा मैजिक चालक और 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कछुओं को अमेठी से लखनऊ तस्करी कर बेचने ले जा रहे थे।
वहीं आगरा की बिहारीपुरा में एक महिला को जलाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मीठपुरा के गीता देवी को जवाहर और संजय ने उसके घर पर मिट्टी के तेल से आग लगाकर जलाने की कोशिश की। घटना के पीछे पैसे के लेन देन का विवाद का मामला सामने आया है। पीड़िता ने कुछ पैसे दिए थे, बार बार तगादे से नाराज होकर घटना को अंजाम दिया। घटना में पीड़िता पूरी तरह जल गई, पति ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की कार्रवाई में जुट गई है। को जो है रात में उनके दो रिलेशन में आते हैं जिनको उन्होंने अपनी जमीन बेची थी। इस बात को लेकर बार बार वो अपना तगादा कर रही थी। ऐसा वो कहना है कि उन्होंने रात को आग रखते थे और उनके ऊपर मिट्टी का तेल आग रखकर जला दिया है। इसमें उनका इलाज हो रहा है। तहरीर प्राप्त होते हुए अभी किया जाएगा और अभी कोई क्या कार्रवाई की जाएगी। घटना जी के तालू पी के आए थे मोटरसाइकिल में जवल्ला संजय। उनने मेरा मोहब्बत मैंने गेट खोलो, मैं जानी के जी आ गए दावत खा के वहाँ से, तो मैंने कहा गेट खोले आऊँ। मैंने गेट खोलो सोई मेरा जवल्ला ने मोमू मेरा संजय ने मट्टी तेल से रखी आँख लगा गई मेरे साथ। उनसे बताया जाने उन्होंने मेरा खेत जमीन गहने रखवा दी। तब पैसे की जरूरत अजी थे राजी बाजी थे, तो हमने पंचायत में बुलाया तो 5 लाख रुपया दे गए थे कि तुम्हें पंचायत 1 तारीख को 5 लाख रुपया मिल जाएंगे। जब मैं मांगने गई थी तो अपने दीदी थी कि रोज रोज मांगने आती नहीं ताकि कोची खत्म कर दो कि ये मांग हुई तो नहीं आगे। और वही जावा में दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में कोतवाली से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई जमकर तोड़फोड़ और लाठी डंडे चले। दंगे में काफी लोग घायल हुए। खबर मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ एसपी सिटी रामयश यादव मौके पर पहुंचे, लाठी चार्ज कर दंगा शांत कराया। वहीं काफी प्रयास के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया। माता के जिला अस्पताल में एक बार फिर डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां सड़क हादसे में घायल हुए 4 घायलों में से एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा काटा। मृतक के परिजन और अस्पताल कर्मियों के बीच मारपीट की नौबत आ गई। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे, परिजनों को समझा कर मामले को शांत कराया। पुलिस मृतक के शव को पोस्टमार्टम को भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ और यहाँ का स्टाफ हो चाहे यहाँ के इसके गुंडे हो हमको मारा पीटा, मेरी पत्नी को मारा पीटा। अभी एक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, दो घायल हुए हैं, घायलों का इलाज चल रहा है, जिसमें से एक का नाम राजेंद्र और मृतक की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एक एक्सीडेंट का मामला है, मोटरसाइकिल से जिससे एक्सीडेंट हुआ था, वो जो व्यक्ति रास्ते पे जा रहा था पहले उसको चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई है। ब्रॉड डेड अस्पताल में आया था, उनके परिजन आ गए थे, आक्रोशित थे, उनको समझा बुझा दिया गया है, बॉडी को मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वही बांदा के नरैनी में एक संदिग्ध घटना का मामला सामने आया है, जहां नलपूप खंड के वर्कशॉप में दो चौकीदारों को बंधक बनाकर बदमाश लाखों रुपए के सरकारी उपकरण और सामग्री उठा ले गए। बताया जा रहा है कि चोर 42 लाख रुपए की चोरी का सामान लेकर गए हैं। विभागीय दो अवर अभियंताओं ने सामूहिक हस्ताक्षरों से पुलिस ने इसकी तहरीर दी है। विभागीय लोग दूसरे दिन भी चोरी गए सामान की सूची और ब्यौरा पुलिस को नहीं ले पाए। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जहां ऐसा हुआ है कि हम लोग आग ताप रहे थे, दो लोग थे चौकीदार, आग ताप रहे थे, हमारा सामान हमेशा इधर से जाता रहा है, तो हम लोगों की निगाह इधर रही है। अब ये हमको ये पता नहीं कि ये चोर कहाँ से आए, तो ये लोग दो लोग आए और मेरा आँख और इस तरह पट्टी बांध दिया साथी से, और आँख की पट्टी बांध दिया और हाथ पैर बांध दिया मेरा। लगभग 40-42 लाख रात में 1 से 2 के बीच यहाँ पर जो है अज्ञात जो है लोगों द्वारा यहाँ पर जो है घुस करके जो है चौकीदारों को बंधक बना के कमरे में जो है डाल दिया गया, तथा यहाँ स्टोर और तथा केंद्रीय भंडार का जो है ताला तोड़ करके जो है और यहाँ से पीवीसी रिवाइंडिंग वायर तथा बर्न कापर वायर और जीएम स्क्रैप और जीएम गन मेटल ये सब लाद करके जो है लगभग ये इसकी लगभग अनुमानित होगी
लगभग 6 से 7 टन के आसपास होगी, लात के चोरों द्वारा ले जाया गया। ये कोतवाली नगर बांधा के तहत ये कल रात की घटना बताई गई थी, जिसपे तहरीर जो प्राप्त हुई थी उसके अनुसार मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था, मौका मुआयना किया गया है, उसके लिए टीम अलग से लगाई गई है इसके अनावरण के लिए, शीघ्र ही इसका अनावरण करके बताया जाएगा। ये उन्होंने प्रथम जो लिख के दिया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए जो तहरीर दी जाती है उसमें उन्होंने एक जनरल तरीके से लिखा है कि किस किस तरह का सामान गया है, उनके द्वारा सूची अभी नहीं दी गई है, बताया गया है कि तैयार की जा रही है, वो देख। प्रदेश सरकार महिलाओं और मासूमों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है, लेकिन फिर भी समाज में ऐसे भूखे भेड़िए हैं जिन्हें अपनी हवस के आगे कोई नजर नहीं आता। ये मामला यूपी के श्रावस्ती जिले से सामने आया है, जहां थाना सोनवा में 5 साल की बच्ची के साथ 35 साल के युवक ने रेप किया। रेप का आरोपी मासूम बच्ची के पड़ोस में रहने वाला है, उसने बच्ची को फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची की चीख पकार सुनकर दौड़े आए ग्रामीणों ने वैश्य युवक को पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। पंचमलाल नाम के व्यक्ति ने, जो 20 साल का है, उसने 5 साल की पीड़िता के साथ बलात्कार किया। मौके पर फौरन पुलिस पहुंची और वहां से अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रथम दृष्टया जैसा कि जानकारी की गई है उससे पता चल रहा है कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। माता पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखकर की कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए लाइव 24 के साथ।